काउंसलिंग से बस इतना लाभ है कि बच्चे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो किस दिशा में अपना करियर बनाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो अलग अलग हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्हें इस बात के लिए वो मोटिवेट करते हैं, उन्हें ये दिशा बताते हैं कि किन क्षेत्र में भविष्य सुरक्षित है, किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और इससे बच्चा ये है कि जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है हर समय। जैसे आज ही उपजिलाधिकारी बीसलपुर श्रीमती वंदना त्रिवेदी जी ने बच्चों को बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बताया, अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे तैयारी करते हैं। लास्ट ईयर SDM श्री सूरज यादव जी ने बताया था, जिला सेवा योजना अधिकारी ने भी आज बताया। 2010 में मैंने जब ये करियर काउंसलिंग सेल राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर में स्थापित की, तब से लगभग 250 से ऊपर बच्चों के सिलेक्शंस यहाँ से हो चुके हैं। मैं एक टीम बनाकर लेकर चलता हूँ और उस टीम में यहाँ के डिप्टी SP, यहाँ के SDM, बैंक मैनेजर शामिल रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने अगर तैयारी की और बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो वो बैंकिंग का इंटरव्यू कैसे फेस करे, या SSB का इंटरव्यू कैसे फेस करे, तो हम मॉक इंटरव्यू कॉलेज में करवाते हैं अपने। उसमें मॉक इंटरव्यू बिल्कुल रियल तरीके से डिप्टी SP को बुलाते हैं। लास्ट ईयर आए थे बैंक मैनेजर SBI के शर्मा जी थे, वो आए थे। इस वजह से बच्चों को इस ग्रामीण क्षेत्र में तैयारी कैसे की जा सके और तैयारी के बाद साक्षात्कार में अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सके और सफलता कैसे सुनिश्चित की जा सके, ये मैं उन्हें बताता हूँ। ये मेरा अपना प्रण है, क्योंकि मैं विभिन्न सारी नौकरियों से होकर आया हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो शहरों तक नहीं जा सकते, तो जो दिल्ली और इलाहाबाद में जो सुविधा, जो गाइडेंस उन्हें मिल सकती है, वो मैं उन्हें यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।